बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी का किया जाएगा सम्मान। पीएम मोदी और अमित शाह की अहम बैठक, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों पर होगा मंथन। जेपी नड्डा से मिले अमित शाह, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों पर मंथन। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक, पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बीजेपी 3 राज्यों में नए चेहरों को बनाएगी सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे, आज करेंगी पार्टी हाईकमान से मुलाकात, नई जिम्मेदारी या फिर समझाने की हो सकती है कोशिश। दिल्ली पहुंचने से पहले वसुंधरा राजे का बयान, विधायकों के साथ बैठक पर कहा, पार्टी का अनुशासन पता है, मैं पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं। विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद दिया कुमारी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा त्याग पत्र। आज श्योपुर के दौरे पर रहेंगे शिवराज सिंह, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम पद को लेकर टाइम्स नेटवर्क से कहा, कौन किस भूमिका में रहेगा ये पार्टी तय करेगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान की रैली, जमकर डांस करती दिखी महिलाएं। एमपी के छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक बैठक के दौरान धोए महिलाओं के पैर। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह का बयान, कहा, वचन देता हूं हर संकल्प पूरा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का प्रधानमंत्री को लेकर बयान, कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही पीएम मोदी का धरती पर आगमन हुआ है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में मंत्री रहे अमरजीत सिंह भगत का बयान, कहा, एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब कांग्रेसी हार गए। आज तेलंगाना के सीएम पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी होंगे मौजूद, खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडी गठबंधन की बैठक, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में 17 दलों के सांसद मौजूद रहे। गठबंधन की बैठक के बाद बोले खड़गे, कहा, संसद में उठाएंगे जनता के मुद्दे, सरकार को देने होंगे जवाब। ओपी राजभर का इंडिया अलायंस पर कटाक्ष, कहा, गठबंधन की 3 बैठकें हुई, 3 राज्य हार गए, चौथी मीटिंग की बात होते ही 4 खंड हो गए। उमर अब्दुल्ला का बिल पर बयान, कहा, बीजेपी आरक्षण से अपना एजेंडा चलाना चाहती है, राज्यपाल को आरक्षित सीटें भरने का अधिकार देना गलत। पीडीपी नेता मोहित भान का बिल पर बयान, कहा, बिल का कानूनी तरीके से विरोध करेंगे, बिल लागू होने का कोर्ट में करेंगे विरोध।
शशि थरूर का अमित शाह पर वार, कहा ऐसे कई देश हैं जहां एक से ज्यादा संविधान और ध्वज हैं। अमेरिका के हर राज्य का अपना ध्वज और संविधान है। बिहार में बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी, पटना में महादलितों से जुड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन आज, स्वर्ण अति पिछड़ों को लेकर भी बनेगी रणनीति। पटना में 10 दिसंबर को होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, अमित शाह करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग। महुआ मोइत्रा का गिरिराज सिंह परिवार, कहा जिसने बंगाल के श्रमिकों को उनके हक से वंचित रखा हो उसका संस्कृति पर टिप्पणी करना निंदनीय है। गिरिराज सिंह का महुआ मोइत्रा पर पलटवार, बोले मैंने कहा था जो राज्य भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं उसकी सीएम जश्न मना रहे हैं। नागपुर में आज से महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आयोजन, मराठा आरक्षण समेत तमाम मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार। इंडिया अलायंस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज, कहा अलायंस एकजुट होकर नहीं चल सकता, सभी दलों में बहुत मतभेद हैं। इंडिया अलायंस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज, कहा अलायंस एकजुट होकर नहीं चल सकता, सभी दलों में मतभेद हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर हमला, कहा गठबंधन की दोस्ती सिर्फ स्वार्थ है, इसका कोई फल नहीं होगा। पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अगर नेहरू जंग में सीज फायर फ्री 3 दिन बाद करे तो पीओके हमारा होता, नेहरू जी से बहुत बड़ी गलती हुई। अमित शाह ने कहा कश्मीर का मुद्दा यूएन में ले जाना बड़ी गलती, यूएन से संतोषजनक फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती, देश की इतनी भूमि जाना ब्लंडर। अमित शाह के बयान पर बोली प्रज्ञा ठाकुर, कहा गलतियां हुई तभी सुधार किए जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस को बुरा लगने वाली बात नहीं। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का जवाब, कहा उस समय सेना को नहीं हटाते तो पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान के पास चले जाते। लोकसभा के में पास हुआ जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल भी पास हुआ, कश्मीरी पंडितों को आरक्षित सीटें और जम्मू का बढ़ेगा कोटा। गृहमंत्री ने कहा यह कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, पीओके के लिए आरक्षित 24 सीटें, एक सीट विस्थापित लोगों के लिए। अमित शाह ने कहा 370 हटाना कुछ लोगों को खटकता है, पहले किसी ने कश्मीर की चिंता नहीं की, आतंकवाद खत्म करने का प्रयास नहीं हुआ। दिल्ली के अस्पताल में बेड ना मिलने से ब्लड कैंसर मरीज की मौत, एम्स समेत कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा परिवार।
नवी मुंबई से 24 घंटे में लापता हुए सभी बच्चे बरामद। चार लड़कियों समेत कुल 7 बच्चों के लापता होने से मचा था हड़कंप। मुंबई में 4 जगहों पर ईडी की रेड। दादर में साड़ी की दुकान पर भी हुई छापेमारी। ज्ञानवापी केस से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे से सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। अयोध्या में मनाया गया शौर्य दिवस। हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर जलाए गए 2100 दिए। राम मंदिर के लिए तैयार किए जा रहे ध्वज के खंभे। अहमदाबाद में बनाए जा रहे 5500 किलो से ज्यादा वजन के 7 खंभे। इसरो की एक और बड़ी सफलता। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा से वापस पृथ्वी की कक्ष में लाया गया। इसरो की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा, अब 2040 तक चांद पर पहले भारतीयों को भेजने का लक्ष्य। यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ गुजरात का गरबा। पीएम मोदी ने कहा, अपनी विरासत को बढ़ावा देने की प्रेरणा मिलती है।